हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और पति देव जा रहे हैं ड्यूटी, तो मैं यहाँ खाना बना के टिफिन लगा के रख रही हूँ उनके लिए। मैं छोटा वाला बेटा भी स्कूल जाएगा तो वो उसके लिए भी टिफिन लगाना है मुझे। यहाँ मैंने आलू उबाल के रख लाए हैं, चूँकि बड़ा वाला बेटा जो कह रहा कि मैं ब्रेड खाऊंगा, तो अभी उसके लिए मैं ब्रेड बनाने वाली हूँ। दूध गर्म करके रख दिया है, साथ में हो रहा है, ब्रेड भी बना रही हूँ मैं। ब्रेड बना के मैं संगी से मैंने पूछ रही हूँ दे कि घी में बनाऊँ के रिफाइंड में, तो वो बोले कि मम्मी मेरे घी में नहीं खा रहा, मैं तो रिफाइंड में खाऊँगा, तो उसके लिए रिफाइंड में बनाऊँगी मैं। तो रिफाइंड में मैं वाकई लिए ब्रेड सीख चुकी हूँ, तो बोला मम्मी आ जाओ यहीं पे पास में बैठ के चाय और ब्रेड खाएंगे। मैं बोल रही हूँ उससे कि ना बेटा तू ही खा ले, क्योंकि मैं अभी पूजा करके खाऊंगी। पूजा से पहले मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करती हूँ, चाय पी लेती हूँ बस। तो मेरे साथ बैठ गया था जहाँ ब्रेड खा रहा है वो। तो जहाँ आई रूम में ब्रेड खावे लग रहा हूँ, तो नीचे बढ़ जाता था जहाँ मैं सब्जी ले आई साथ में। मैंने कहा चलो सब्जी भी काट लो, गोभी आलू की सब्जी बनानी है मुझे, तो गोभी आलू की सब्जी बनाने लग गई। मेरी गोभी आलू की सुबह से उठ के जमाई और आ रही है मैं तो। सारे कूड़े भी संगी संग बल्ले आ रही हूँ, मैंने कूड़े भी बल्ले जाऊँ संगी संग, क्योंकि फिर पैर न मिला हो तो सारे पैर रह जाऊंगा फिर गंदे। तो मैंने कि बर्तन साफ़ कर दूँ साथ में ही, तो बर्तन भी साफ़ करने लग गई हूँ मैं, तो साथ में ही बर्तन भी साफ़ कर दिए, जाकि टोटी निकल जावे नल की, तो बार बार करवाऊँगी जगह सही। तो बर्तन साफ़ कर दिए मैंने यहीं पे। अब मैंने कि चलो सब्जी छौंक दूँ, तो टमाटर निकाल रहे हैं हम सब्जी में, गोभी आलू की सब्जी में टमाटर डाल के थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो वो मिर्ची भी ले आई मैंने कि चलो साथ में मिर्ची भी काटूँगी, तो मिर्ची भी छौंक दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी खाने के संग सब्जी खाने के संग मिर्ची आ जाते हैं तो लेकर आराम से आ जाओ, अच्छी लगे खा लो। बढ़िया जवाई सी और आने लग रही है मुझे साथ में। तो मैं मिर्ची ले आई हूँ, या फिर मैंने केला मिर्ची नहीं काट लूँ तो बर्तन नहीं रख दूँ, फिर बर्तन भी रख दिए मैं साथ में, मिर्च काटने लगूँगी। मैंने कि पहले बाद में काटूँगी मिर्च, पहले बर्तन रख दूँ। सारे ने जगह स्लिप पे ही पड़ी, कीड़ा मकोड़े गिर जाए ऊपर से, कुछ पता होना इनकी, चूँकि मौसम ये सहर हो, कभी सर्दी को कभी गर्मी को, मौसम बिगड़ते जा रहा है, आंधी और रोड शुरू है वो, गर्मियों में जी हाल होता है। तो मैं सब्जी में डालने के लिए टमाटर काट रही हूँ, फिर टमाटर काट के सब्जी में खट्टापन आ जाएगा। साथ में मिर्च ले आई धो के, तो मिर्च नहीं काट भी लग दूँ मैं, ये छोंक दूंगी इसमें, खाने के संग में अच्छी लगेंगी। तो मिर्च साली मैंने काट ली है, तो इन्हें काट के संग संग छोंक दूंगी। तो यही पे मैंने मिर्च छोंक दी, मेरी सब्जी बनी है, दूसरी कढ़ाई में मिर्च छोंक दूँ तो छोटी सी ये मिल गई, हमें ही छोंक दी मैंने मिर्च सारी। अब ऑटो वालों दोपहर के खाने के लिए फिर मैंने ऑटो लगाया, नहीं दोपहर के खाने के लिए बच्चा स्कूल दिया जाएंगे तो मैंने खाना। हेलो, जब बच्चों की ड्रेस आई थी तो हमारे स्कूल गए, तो स्कूल में पूछा था अच्छी भाई, तो स्कूल वाले कहने लगे कि हम 3 साल बाद वो 5 साल बाद ड्रेस चेंज करेंगे। अभी 3 साल हैं और फिर से उन्हें ड्रेस चेंज करने की तैयारी कर दी है। जो कल मैं माँ ड्रेस वाली दुकान पर गई तो उन्हें कही कि छोटी ड्रेस है गई सफ़ेद वाली वाइट वाली पेंट, तो मैंने कही चलो पेंट डब्बा लाते हैं। तो अब गए वहाँ पे तो उन्हें कही कि मतलब अरे पेंट तो चेंज हो गई है, पेंट की जगह लोअर आए। अब एक बात बताओ, जब उन्हें 5 साल को वादा करो तो फिर कैसे चेंज है कपड़ा तक, ड्रेस कैसे चेंज है इनकी? तो मतलब कहें तो स्कूल वाले कहें तो कछुए कर तो कछुए, इन्हें तो बड़ी परेशान कर दें हम तक। कभी जे ड्रेस छोटी, कभी जे ड्रेस को कलर ना है दूसरी ड्रेस लेके आओ। अब कोर्स की तैयारी, हम आते ही दिक्कत कर रहे हैं कि कोर्स लेके आओ कोर्स लेके आओ, और कोर्स पे गए ले गए तो कोर्स पे इतनी सारी भीड़ के वहाँ घुसवे की जगह ना थी, एक ही जगह तो वो मिलेंगी किताब मिलेंगी। इन जो इनको पहले कमीशन बन जाता है ना,
कमीशन बन जाते हो इनको, तो एक ही जगह तो किताब मिलेंगी, एक ही जगह कॉपी मिलेंगी, वहीं थी सब चीज़ लेके आओ, वहीं थी ड्रेस लेके आओ, जूता भी लेके आओ, जूता भी अलग अलग ड्रेस के अलग अलग। तो मैं सरकार से बस यही गुजारिश है, अगर सब लोग सपोर्ट करें तो, अगर बाज़ार से ख़रीदो ना, क्या ज़रूरत है हर दुकान पर मिलनी चाहिए ड्रेस, अथवा एक ही दुकान पर बेचो तो 8-10 हज़ार को तो कोर्स ख़रीदें, फिर तुम्हारी फीस भरें, फिर बाकी बाद में ड्रेस तुम 3 साल बाद ड्रेस बदलो, जो बदल लो 3 साल बाद, तो जब तुमने 5 साल की कही 5 साल बाद ड्रेस बदलेंगे, तो 3 साल की जो कही 3 साल बाद तुमने ड्रेस चेंज कर दी। तो बस जी गुजारिश है कि अगर सभी लोग हिंदुस्तान में सभी लोग सभी को सपोर्ट करें तो ये धांधली खोरी बंद हो जाए। ओके, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।